नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का सेशन नंबर 56। आज की जो टॉप 6 स्टोरीज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण वाटिका के ऊपर, बेसिकली न्यूट्री गार्डन। तो न्यूट्रिएंट्स को लेकर या न्यूट्रिशन को लेकर जो है सरकार काफी चिंतित है और होना भी चाहिए। पैंडेमिक के बाद जो आपको जो मिडिल क्लास इकोनॉमी जो सिकुड़ती जा रही है और बिल्कुल लोअर क्लास इकोनॉमी में आ चुकी है, तो उनके लिए जो सबसे बेसिक नीड है वो है न्यूट्रिशन। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो फिर तभी ही किसी देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। दूसरा है हमारा कोल बेस्ड हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, इन सब पे हम बात करेंगे। थर्ड इज शिक्षक पर्व 2021। तो अभी हाल फिलहाल टीचर्स डे बीता था और वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट होता है ये मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ इज राइट टू सिट, ये बहुत ही मजेदार खबर है तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से, आपको बहुत मजा आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इज पोलन कैलेंडर, पोलन कैलेंडर क्या है इस पे बात करेंगे और इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हे फीवर वगैरह जैसी बीमारियां जो दिखने को मिल रही है उनका एक मेन कारण है पोलन और उससे रिलेटेड आया है पोलन कैलेंडर। एंड फाइनली ऑज इंडेक्स, बेसिकली एक एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। एंड सेवंथ एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण वाटिका के ऊपर। तो इसमें दो मंत्रालय हैं, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और एक है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। इन दो मंत्रालय ने, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों ने जॉइंटली मिलकर एक वेबिनार जो है कंडक्ट किया था और उसमें बताया था पोषण वाटिका के बारे में कि किस तरीके से कुपोषण को यानी मॉल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए ये काम कर सकती है, राइट। पोषण वाटिका क्या है? रूरल एरियाज हैव एम्पल स्पेस एंड एस्टेब्लिशिंग न्यूट्री गार्डन पोषण वाटिकाज इज फार सिंपलर एज फार्म फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। तो उन्होंने कहा है कि फार्म फैमिलीज से ज्यादा बेटर है कि आप पोषण वाटिका को जो है एस्टेब्लिश करें। प्लांटेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एंड हर्बल ट्रीज अंडर पोषण वाटिका वुड रिड्यूस एक्सटर्नल डिपेंडेंसी एंड मेक कम्युनिटीज आत्मनिर्भर फॉर देयर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल कोलैबोरेट विद 3000 आंगनवाड़ीज टू टेक फॉरवर्ड द कैंपेन ऑफ एस्टेब्लिशिंग न्यूट्री गार्डन एंड विल ऑल्सो डिसाइड द न्यूट्रिशनल एंड हर्बल ट्रीज दैट विल बी प्लांटेड देयर। तो बेसिकली बात ये कही जा रही है कि आप जो फार्म यानी कि जो आप कैश क्रॉप्स वगैरह जो आप कर रहे हैं उससे हटकर आप अपनी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए प्लांटेशन ऑफ न्यूट्रिशनल शर्ब्स और हर्बल ट्रीज के बारे में हम करें, राइट। इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और बाल विकास, जो बाल एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दोनों ने कोलैबोरेट किया और इनमें इनकी मदद कौन करने वाला है कैंपेन वगैरह में, तो लगभग 3000 आंगनवाड़ी जो कि रूरल एरिया में काम करती है वो इसमें इन चीज़ों की मदद करेगी। इन पौधों में कैसे ऐसे पौधे हैं जो आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो मोरिंगा हो गया, गवावा हो गया, बनाना हो गया, तुलसी हो गए, दे आर द ग्रेट कैंडिडेट्स टू प्लांट इन पोषण वाटिका एज दे डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन इन वुमेन एंड चिल्ड्रन। पोषण अभियान एम्स टू एनकरेज द कन्वर्जेंस अमंग वेरियस मिनिस्ट्रीज टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। आंगनवाड़ी लगभग 50% ऐसे गरीब लोगों को कवर अप करती है जिनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तभी तो बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं ना। आंगनवाड़ी में कोई सीखने या पढ़ने नहीं जाता है, सबसे बड़ी मतलब एक आयरनी तो यह है, आंगनवाड़ी में किस लिए जाते हैं, ताकि खिचड़ी मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो उनके घर पे अवेलेबल नहीं है वो उनको मिल सके। वाइल पोषण अभियान कवर्स द अदर 50% हु माइट नॉट बी पुअर बट नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो आपका न्यूट्रिशन यानी कि आपके पास सब कुछ है लेकिन न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए पोषण अभियान है। और आंगनवाड़ी किस में काम करता है, जब आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं है। पोषण अभियान देखें तो पोषण का हमने आपको पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अभी फिलहाल मिशन पोषण 2.0 आया है जिसमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को क्लब किया गया है। 2021-22 के बजट में अनाउंस किया गया था कि दे आर द इंटीग्रल न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है इन सबका, कि न्यूट्रिशनल कंटेंट को बेहतर करना, उसको उसकी रीच को बढ़ाना, उसके आउटकम्स को बेटर करना, फोकस रखना, ताकि एक नर्चर मतलब एक अच्छे हेल्थ को क्रिएट किया जा सके, एक अच्छी कम्युनिटी को क्रिएट किया जा सके जिसमें किसी तरीके की बीमारी और किसी तरीके का कुपोषण ना हो। टारगेट इसमें क्या क्या है, इसमें टारगेट है कि स्टंटिंग को खत्म करना है, अंडर न्यूट्रिशन को खत्म करना है, ज़्यादातर जो यंग बच्चे और जो महिलाएं हैं उनमें जो अनीमिया की जो शिकायत है उसको खत्म करना है, लो बर्थ वेट को खत्म करना है, तो ऐसे कुछ टारगेट इन्होंने लिए हुए हैं। साथ ही साथ एक पोषण ज्ञान करके नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी भी बनाई गई है जिसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी डिजिटल वे में दी जा रही है, राइट। तो ये रिलेटेड था पोषण वाटिका से जिसपे हाल फिलहाल वेबिनार हुआ था, किस किस मंत्रालय ने किया था, इसमें क्या क्या आता है, ये सब बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे ही आप जानकारी रखेंगे दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस।
दूसरी स्टोरी पे चलें तो बहुत ही बढ़िया स्टोरी, मेरी तो मतलब पर्सनल फेवरेट स्टोरी रहती है ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन वाली, कोल बेस्ड हाइड्रोजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय ने दो कमेटियों का भी हाल फिलहाल गठन किया है, एक देखेगी ओवरसी द प्रोग्राम एंड अनदर एक्सपर्ट्स टू गिव गाइडेंस टू द मिनिस्ट्री। तो एक मॉनिटरिंग का काम करेगी बेसिकली और दूसरा एडवाइजरी का, दो कमेटी बनाई गई है, मॉनिटरिंग प्लस एडवाइजरी, राइट, कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज एम्ड फ्रॉम फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू पीएम एजेंडा ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी इन अ क्लीन मैनर, क्योंकि बोल ही दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 तक तो हम पूरा का पूरा रिप्लेस कर देंगे, मतलब जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल फ्यूल सिस्टम है उसको हम रिन्यूएबल फ्यूल सिस्टम से मतलब रिप्लेस करेंगे ही करेंगे। कोल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन मेकिंग, जिसमें ब्राउन हाइड्रोजन है, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल गैस ग्रे हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन हाइड्रोजन, एक पिंक हाइड्रोजन भी होता है आपको ध्यान रखना है, ब्लैक हाइड्रोजन फ्यूल से बनाया जाता है। ब्लैक हाइड्रोजन किससे बनता है दोस्तों? ब्लैक हाइड्रोजन बनता है फ्यूल से, जबकि आपका ग्रीन हाइड्रोजन और आपका जो पिंक हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनता है। द ग्लोबल इम्फेसिस इन ऑन सब्स्टिट्यूटिंग लिक्विड फ्यूल्स विद हाइड्रोजन एज फ्यूल इन व्हीकल्स, स्टोरेज ऑफ सरप्लस रिन्यूएबल पावर एज हाइड्रोजन एंड कटिंग डाउन एमिशंस। हाउएवर कोल हैज नॉट बीन एनकरेज्ड एल्सवेयर बिकॉज ऑफ द फियर दैट व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोजन वाया कोल देयर मे बी कार्बन एमिशन। तो कोल से इसीलिए थोड़ा सा कतराते हैं लोग कि जैसे अगर आप हाइड्रोजन को कोल से अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन होगा, ये आशंका रहती है। ऑलमोस्ट 100% ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन इंडिया इज थ्रू नेचुरल गैस, हाल फिलहाल तो भी नेचुरल गैस के थ्रू होता है। इसके चैलेंजेस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कोल विल हैव चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ हाई एमिशन एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS। हाउएवर व्हेन द कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग कोल टू हाइड्रोजन प्रोसेस आर ट्रैप्ड एंड स्टोर्ड इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर देन इंडिया कोल रिजर्व्स कुड बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। आप जानते ही हैं कि भारत एनर्जी के मामले में एक पावर हंग्री कंट्री है, ये बात कौन कह चुका है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात IEA की रिपोर्ट कह चुकी है, राइट। इसको लेके एक बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल आज के द हिंदू के पेपर में आया था और ये PIB का एनालिसिस था, तो मैंने दोनों को क्लब करके आपके सामने एडिटोरियल भी रख दिया है और मैंने आपके सामने न्यूज़ भी रख दी है, राइट। इसी तरीके से अगर आप हमें देखते रहेंगे समझते रहेंगे तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड एंड बहुत ही मतलब एक बहुत ही बैलेंस आर्टिकल है ये, आप इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें सारी बातें की गई हैं, एनर्जी रिसोर्स से लेके ऑब्स्टेकल ऑफ कोस्ट और पावर हंग्री इंडिया तक की बातें की गई हैं। तो आराम से अपना जो संस्करण है द हिंदू का उसे आज उठाइए और ये जो एडिटोरियल है उसे पढ़ डालिए बढ़िया से। अगली स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज शिक्षक पर्व 2021। हाल फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व को सेलिब्रेट कर रही है, किस लिए? शिक्षकों के योगदान को सराहने के लिए और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एक स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए 5 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं हाल फिलहाल। सबसे पहला इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च किया गया है जो बच्चों के लिए और पर्सन जैसे जो सुन नहीं सकते उनके लिए इस तरीके का जो है साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च की गई है। इसमें 10,000 वर्ड्स की रिपोजिटरी बनाई गई है। उसके बाद आपके पास है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड अक्रेडिशन फ्रेमवर्क। ये क्वालिटी इनिशिएटिव है जिससे जैसे CBSE वगैरह जो बोर्ड्स वगैरह जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो उनमें प्रॉपर एकदम मैनेजमेंट बढ़िया बन सके, उनकी असेसमेंट, उनकी पैडागोगी, उनकी करिकुलम, उनके इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, उनके गवर्नेंस प्रोसेसेस बहुत क्लीन और बहुत बेहतर हो सके। उसके बाद आपका निपुण भारत, इस पर भी हमने बात की थी। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड नंबर्स, राइट। ये स्कीम को लॉन्च करने का मेन कारण यही था कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो हर बच्चा अचीव कर सके, उसके अंदर एक ललक पैदा हो सके पढ़ने की, लिखने की, नंबर्स को जानने की बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3rd, तीसरी क्लास के एंड तक आते आते। और ये करने का टारगेट क्या है? 2026-27 के देश के जितने सारे बच्चे तीसरी क्लास से नीचे हैं उनमें हम इस तरीके की डिजायरिंग लर्निंग का मतलब एक जो ललक है वो पैदा कर देंगे। इसी से रिलेटेड एक आता है निष्ठा भी। निष्ठा पे भी हम अपने इस PIB के सेशन में बात कर चुके हैं, लगभग 55 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, ये 56 सेशन है, राइट। और इस 56 सेशन के अंदर में हमने तमाम सभी चीज़ों को कवर अप किया, अगर आप लाइन से देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर अप की गई हैं। नेक्स्ट है विद्यांजलि 2.0 पोर्टल, जिसमें एजुकेशन वॉलंटियर्स को लाने की बात की गई है, डोनर्स को, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ों की बात की गई है ताकि स्कूल डेवलपमेंट वगैरह बेहतर हो सके। हाल फिलहाल अभी जो कोटा पॉलिसी ओडिशा की आई है वो थोड़ा सा मतलब है, कोटा ओडिशा में उन्होंने क्या किया है कि ओडिशा में उन्होंने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 15% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि जैसे 12वीं पास करने के बाद जो जिस तरीके के मेडिकल, इंजीनियरिंग और बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स में बैठते हैं तो 15% जो है स्टेट वाले एग्जाम्स में उसमें उनको जो है रिजर्वेशन दी जाएगी। तो कई जो एक्सपर्ट्स हैं
एजुकेशनिस्ट हैं उनका ये मानना है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको इसके बजाय जो फंड हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके उसे बेहतर करना चाहिए। अगर कोविड के कारण गवर्नमेंट स्कूल्स हिट हुई हैं, क्योंकि स्कूल भारत में 62% जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, 38% जो है वो आपके प्राइवेट सेक्टर और दूसरे अन्य रिसोर्सेज से आते हैं, तो एक बहुत बड़ी लॉबी आपके गवर्नमेंट जो है स्कूल पे डिपेंड करती है। तो आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है, इसमें फंड रेज करने की जरूरत है, इसमें प्रोफिशिएंसी लाने की जरूरत है, इसमें मैनेजमेंट प्रोसेस को अच्छा करने की जरूरत है। तो आप ये कीजिए ना, आप यहाँ पे 15% का रिजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और मेरिट सिस्टम को कहीं ना कहीं इससे धक्का लगेगा। टीचर्स डे की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, जिसे फिलोसफर प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। वर्ल्ड टीचर्स डे जो होता है वो 5 अक्टूबर को होता है दोस्तों, ठीक एक महीने के बाद, टू कॉमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ 1966 ILO यूनेस्को रिकमेंडेशन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स, राइट। तो चाणक्य ने क्या कहा था, तो चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगली स्टोरी के ऊपर, दैट इज राइट टू सिट, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है ये। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है तमिलनाडु के सभी दुकानों को लेकर, और उस पे जो एक्ट है वो है तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947। इसमें उन्होंने सेक्शन 22A का हवाला देते हुए ये कहा है कि जो हर दुकान या एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए अपने सभी एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो बैठ सकें, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है दुकानों में, जो आपके रिटेल शॉप्स की दुकान है, किराना की दुकान है, वहाँ पे जो छोटू वगैरह काम कर रहे होते हैं, एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो होता ही है, वो दिन भर खड़े ही रहते हैं, मतलब कस्टमर्स से बात करने के लिए, सामान लाने के लिए, तो वो बैठ नहीं पाते हैं, बैठने की उनको सुविधा भी नहीं दी जाती है, तो पूरे टाइम ड्यूटी पे जो है वो खड़े ही रहते हैं, जिससे उनके हेल्थ इश्यूज पे काफ़ी असर पड़ सकता है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान देते हुए बोला है कि राइट टू सीट का भाई प्रावधान उसमें होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, खासकर जो टेक्सटाइल और ज्वेलरी शोरूम्स में काम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि तमिलनाडु वगैरह में जो टेक्सटाइल्स की जो कंपनीज होती है, तो उस पर खड़े खड़े ही जो है ना सारा, मतलब सूत कातना इन सब का काम किया जाता है, तो वो बेचारे एक बार लगे तो वो सीधा लंच में ही जाके अपना खाना खाने के लिए बैठेंगे तो बैठेंगे, अदरवाइज वो लंच भी आधे घंटे का ही होता है, उसके बाद फिर उनको खड़े होकर काम करना है, तो पूरे सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, जिनके बहुत सारे जो है वेरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, और एक एक एम्प्लॉय पर नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं। ऐसे कुछ लेजिस्लेशन पहले भी निकाले गए थे, केरला ने तो मतलब डिमांड किया था कि राइट टू सीट हमें चाहिए ही चाहिए। द राइट टू सीट इज अ नोवल स्टेप इन परस्यूएंस ऑफ आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 42 आप जानते ही हैं कि DPSP का पार्ट है, विच प्रॉम्प्ट्स द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस एट द वर्क। तो बिल्कुल एकदम ह्यूमन कंडीशंस के अंदर में काम करना चाहिए, वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। देयरफॉर पार्लियामेंट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस एंड मेक राइट टू सीट अ लॉ ऑन पैन इंडिया बेसिस। तो लगातार हमें इसमें देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 21 के का स्कोप जो है उसमें वाइड किया जा रहा है, राइट टू सिट भी अब एक आ चुका है, क्लियर। आगे बात करते हैं पोलैंड कैलेंडर के ऊपर में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी और PGIMER जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, उन्होंने पोलैंड कैलेंडर निकाला है चंडीगढ़ के लिए, और ये प्रोबेबली पहला ऐसा कैलेंडर है किसी भी शहर के लिए भारत के अंदर में। पोलैंड कैलेंडर्स में क्या होता है, पोलैंड कैलेंडर्स में एयरबोर्न पोलैंड जो होते हैं ना, उसमें एयरबोर्न पोलन प्रेजेंट होते हैं इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। इससे होता क्या है, बेसिकली इससे होता यह है कि देखिए पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि दे आर मेल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स विद प्राइमरी रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन जब हम हवा में सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर आ जाते हैं, जिससे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किसी तरीके का दबाव बनता है और एलर्जीज होती है। तो पोलन को रिलीज कौन करता है, पोलन को रिलीज करते हैं प्लांट्स, राइट। पोलन क्या है, पोलन बेसिकली पोलन ग्रेन्स आर मेल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स रिलीज बाय द प्लांट्स। तो इससे क्या होता है, हम सांस ले रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग जो है हे फीवर जैसी बीमारियां, एलर्जीज, पोलियोनोसिस और एलर्जिक रिनिटिस, इन सबसे सफ़र करते हैं। लगभग भारत की 20-30% आज़ाद आबादी एलर्जिक रिनिटिस और हे फीवर से सफ़र अब करती है, और इनमें से 15% को जो है अस्थमा ऑटोमेटिक हो जाता है बाय द दीज प्लांट्स पोलन कैलेंडर्स, राइट। तो इसके दूसरे सॉल्यूशंस क्या है, दूसरे सॉल्यूशंस ये हैं कि आप कुछ इस तरीके के पौधे लगाएं जिसमें कोई भी पोलन क्रिएट ना होता हो, जैसे कि पेड़ पाम के हो गए, नेटल हो गया, सफ़ेदा हो गया, मुलीबरी जिसे सहतूत कहते हैं, कांग्रेस ग्रास, पाइन, इन सब के पास मतलब कम चांसेस होते हैं कि इनके पास पोलन हो। नॉन एलर्जिक और एंटोमोफिलस प्लांट स्पीसीज जैसे कि रोज, जैस्मिन, साल्विया,
रात की रानी, सनफ्लावर, ऐसे पौधे भी आपको लगाने चाहिए। इसको थोड़ा इनकी खेती जो है ज्यादा करनी चाहिए। तो ये दूसरे सॉल्यूशंस हैं जो पोलन को कम करेंगे और हे फीवर जैसी बीमारियों को खत्म करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी ऑज इंडेक्स पे। भारत की नेवी की जो टास्क ग्रुप है वो फोर्थ एडिशन में पार्टिसिपेट करने जा रही है ऑज इंडेक्स, बेसिकली रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और काफी अच्छा ये ग्रो कर रहा है। थर्ड एडिशन जो है 2019 में हुआ था बे ऑफ बंगाल में, इसमें एंटी सबमरीन ड्रिल्स भी की गई थी पहली बार। द एक्सरसाइज विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ नेवीज टू फर्दर बोल्स्टर इंटरऑपरेबिलिटी गेन्स फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर्स फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस। द कंडक्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज डिस्पाइट कोविड रिस्ट्रिक्शंस इज ऑल्सो अ टेस्टिमनी ऑफ एग्जिस्टिंग सिनर्जी बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग नेवीज। इस एक्सरसाइज को किसके साथ जोड़ा गया है, तो 2020 की जो कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसको अफ्रीका के साथ भी जोड़ा गया था, तो उसके साथ इस एक्सरसाइज को जोड़ा गया है। और इससे क्या होगा, दोनों देशों के रिश्ते बहुत बेहतर होंगे, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट पे हो, चाहे वो पीस क्रिएट करने के फ्रंट पे हो, चाहे वो स्टेबिलिटी क्रिएट करने के फ्रंट पे हो इन द इंडो पैसिफिक रीजन। दिस एडिशन ऑफ ऑज इंडेक्स इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स सर्फेस सब सर्फेस एंड एयर ऑपरेशंस बिटवीन शिप्स, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग नेवीज। द पार्टिसिपेटिंग इंडियन नेवल शिप जो है इसमें शिवालिक है और कडामट है, ये लेटेस्टली जो है इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट एंड एंटी सबमरीन कॉर्बेट रेस्पेक्टिवली, ये सारे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो ऑज इंडेक्स आप समझिए किसके बीच की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एक्सरसाइज, राइट। तो आप यहाँ से भी इसका जो है समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको सारी स्टोरीज आज की दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की पोषण वाटिका के ऊपर, देन कोल बेस्ड हाइड्रोजन और ये खूबसूरत एडिटोरियल, शिक्षक पर्व 2021, राइट टू सेट, पोलन कैलेंडर, ऑज इंडेक्स। नाउ अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। आज के तीन सवाल आपके लगा दिए गए हैं। पहला सवाल इनर लाइन परमिट से रिलेटेड है, वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों स्टेटमेंट्स को, तीनों स्टेटमेंट्स को माफ कीजिएगा, आराम से पढ़िए और फिर अपने आंसर्स को लॉक कीजिए क्या होना चाहिए। कमेंट थ्रेड में पूरा पार्टिसिपेशन रखिए दोस्तों, इससे आपको ही फायदा होगा आने वाले एग्जाम में। सेकेंड है कि किस देश ने भी हाल फिलहाल ग्रीन वीजा अपने वर्कर के लिए लॉन्च किया है, क्या वो अमेरिका है, जापान है, यूएई है या इसराइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन वीजा फॉर इट्स वर्कर्स। थर्ड है कि जो विश्व की सबसे बड़ी जिंदा जो छिपकली है लिजार्ड, कॉम्बोडो ड्रैगन, ये किस देश के एंडेमिक है, क्या भारत के है, भूटान के, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया। तीन सवाल है, कल के तीन सवालों का आंसर देने का समय आ गया है। कार्बी आंगलोंग इंसर्जेंसी ये कहाँ देखी जा रही है, ये देखी जा रही है आसाम में, हमने कल बात की थी कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट को लेके। सेकंड, प्रेसिडेंट कलर पे भी हम बात कर चुके हैं, ये हाईएस्ट ऑनर होता है मिलिट्री यूनिट के लिए, उनकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स को दिया गया था 27 मई 1951 में बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। तीसरे पे बात करें सिम्बेक्स, सिम्बेक्स किसके बीच की बायलेटरल एक्सरसाइज है, तो ये है इन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर के बीच की बायलेटरल एक्सरसाइज क्या है, का नाम क्या है, सिम्बेक्स, राइट। लगातार हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे दोस्तों, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।